नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। बिहार में 2525 कोरोना के मिले नए मरीज, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 106,618 हो गई है। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीज की संख्या सामने आ रही है। बिहार में जानलेवा कोरोना का प्रकोप देखते हुए बिहार सरकार ने पुनः 6 सितम्बर तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2525 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 106,618 हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। बिहार में बढ़ते संक्रमण के हाल को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में पुनः एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 6 सितंबर तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार में संक्रमण का आंकड़ा प्रत्येक दिन दुगुना होते जा रहा है। तेजस्वी को छोड़ किसी के भी साथ जा सकते हैं मांझी। एनडीए के अलावे ओबीसी और मायावती से भी परहेज नहीं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की खबरों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दो टूक बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि वह तेजस्वी यादव या महागठबंधन को छोड़कर किसी भी अन्य विकल्प की तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी या फिर ओबीसी से लेकर मायावती तक सभी विकल्प उसके सामने। उन्होंने 20 अगस्त को अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें फैसला ले लिया जाएगा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का आरोप, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं बिहार के राज्यपाल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर थर्ड फ्रंट के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कई कमान संभाली है। इसको लेकर राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सब लोग पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने यशवंत सिन्हा रोहतास पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार और राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। विधायकों के निष्कासन पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बोले, आरजेडी में कोई नेता आत्मसम्मान के साथ काम नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों के निष्कासन पर टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा कि कोई भी नेता आत्मसम्मान के साथ आरजेडी में काम नहीं कर सकता है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद में तेजस्वी यादव के पास हर चीज पर अंतिम शब्द है, इसीलिए पार्टी में आत्मसम्मान के साथ काम नहीं कर सकते। बिहार में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़ी, 69% लोग हो रहे हैं ठीक। बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और उसके रोकथाम के साथ बाढ़ की स्थिति को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। ये जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार और स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच तेजी से कराई जा रही है। जांच में बढ़ोतरी के साथ ही संक्रमण की दर में काफ़ी कमी आ रही है। पिछले 2 अगस्त को रिकवरी रेट जो 63.97% थी, वो आज बढ़कर 69.71% हो गई है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद श्याम रजक ने कहा, सामाजिक न्याय की जहां हत्या हो वहां मैं नहीं रह सकता। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने अपने दिए एक बयान में कहा कि सामाजिक न्याय की जहां हत्या हो मैं वहां नहीं रह सकता हूं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे जो पार्टी से निकाला गया वह असंवैधानिक है। विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद श्याम रजक चुनाव लड़ने पर आरजेडी करेगी फैसला। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद श्याम रजक ने कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। फुलवाड़ी शरीफ से विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरजेडी में शामिल होने के बाद ये फैसला आरजेडी करेगी। 11 साल बाद श्याम रजक की आरजेडी में हुई घर वापसी, तेजस्वी ने खुलकर किया स्वागत। नीतीश सरकार पर लगाए कई आरोप, फिर घर वापस लौटे श्याम रजक। जी हां, आरजेडी में पुनः शामिल हुए श्याम रजक 2 दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद श्याम रजक ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है। 11 साल बाद एक बार फिर श्याम रजक आरजेडी में वापस घर लौट आए हैं। चुनाव जीता तो सीमांचल में सुशांत सिंह के नाम पर बनाऊंगा हैदराबाद की रामोजी जैसी फिल्म सिटी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता तक पहुंच बनाने में जुट गई है। इसी कड़ी में जाप प्रमुख पप्पू यादव पूर्णिया स्थित अपने निजी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ व कोरोना जैसे कई दूसरे मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर वे चुनाव जीते तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सीमांचल में रामोजी जैसी फिल्म सिटी बनाएंगे।
चिराग का जेडीयू पर दो टूक, पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान सहन नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेडीयू को लेकर अपना एक रुख बरकरार रखा है। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज चिराग पासवान ने बैठक की। इस बैठक में चिराग ने यह साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान उनकी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। चिराग ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करती है तो इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। बिहार का मखाना अब विश्व भर में होगा निर्यात। केंद्र सरकार ने मखाना की ब्रांडिंग के साथ निर्यात की घोषणा की तो राज्य सरकार ने इस कृषि उत्पादक की जीआई टैगिंग की पहल शुरू कर दी। टैग मिला तो विश्व में कोई कहीं मार्केटिंग करेगा, उसे बिहार के नाम से मखाना बेचना होगा। दूसरे किसी भी देश और राज्य का दावा इस कृषि उत्पाद पर नहीं होगा। इसी के साथ राज्य के मखाना उत्पादकों को नया बाजार मिल जाएगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी और खेती भी बढ़ेगी। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एमएस धोनी, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी रोहित शर्मा। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। पटना एम्स में एक महीना पूरा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का जाने क्या आया रिजल्ट। बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुए एक महीना पूरा हो गया। पहले चरण में जिन लोगों पर ट्रायल हुआ है वह पूरी तरह से स्वस्थ है, यानी उन पर अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इस तरह वैक्सीन तो सुरक्षित है लेकिन यह कोरोना वायरस से लड़ने में कितनी असरदार है इसका विश्लेषण होने के बाद ही पता चलेगा। धोनी बनाएंगे भागलपुर के खिलाड़ियों को दक्ष, खुलेगा क्रिकेट एकेडमी। भागलपुर में सद्भावना कप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहुंचने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भागलपुर को अभी भी नहीं भूले हैं। भागलपुर समेत बिहार के खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी एक एकेडमी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए भागलपुर उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल था लेकिन यहाँ स्टेडियम नहीं मिलने की वजह से पटना में पहला एकेडमी तैयार हो रहा है, जबकि भागलपुर के लोदीपुर में एकेडमी खोलने की तैयारी है। लोदीपुर के जमीन मालिक ने धोनी से जाकर मुलाकात की।